हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। साथियों, आज हम आपको बताएंगे हल्दी वाले पानी पीने के स्वास्थ्यवर्धक व औषधीय फायदे। आपसे यह भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पूर्णतः फ्री है, और सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले ऑप्शन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास ऐसी हेल्थ और ब्यूटी की इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन समय पर पहुँच सके। हल्दी जहां एक और खाने का स्वाद और रंग बढ़ा देती है, वहीं इसका उपयोग सौंदर्य वृद्धि और त्वचा की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा हल्दी शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत सहायक होती है। हल्दी आपके खून को साफ करती है और इंसान को ऊर्जावान बनाती है और हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। साथियों, ये आपके शरीर पर ही काम नहीं करती, बल्कि शरीर, खून और पाचन तंत्र की भी सफाई करती है। हल्दी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी कैंसर जैसे गुणों से भी भरपूर होती है। इसमें कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं से भी लड़ने के चमत्कारिक गुण होते हैं। बाहरी सफाई के लिए आप नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और फिर इस पानी से नहाएं। आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर एकदम चमकने लगा है। तो दोस्तों, निरोग रहने के लिए हल्दी वाले पानी के कुछ बेमिसाल उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं हल्दी वाले पानी को बनाने की रेसिपी। 1/4 चम्मच हल्दी और आधा नींबू, 1 गिलास हल्का गर्म पानी और थोड़ी सी शहद, और सबको अच्छे से मिला लें और फिर इसका सेवन करें। अब हम बताते हैं आपको इसके लाभ। हल्दी वाला पानी डायबिटीज कंट्रोल रखता है। बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिकल रिसर्च की स्टडी के अनुसार हल्दी के नियमित सेवन से ग्लूकोज का लेवल कम और डायबिटीज का खतरा टल जाता है। यदि आपको खांसी की परेशानी है तो हल्दी आपको खांसी से राहत देती है। हल्दी वाला पानी नियमित पीने से आपको खांसी होने की संभावना बहुत कम होती है, और यदि किसी को खांसी की समस्या भी हो तो वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई परेशान है। हल्दी का पानी पीने से मोटापा कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर की चर्बी कम हो जाए और मोटापा दूर हो जाए, तो गर्म पानी में नींबू, हल्दी पाउडर और शहद मिलाकर पिएं। इससे आपको मोटापा दूर करने में बेहद मदद मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट और स्ट्रेस फील करते हैं तो आप सुबह उठकर हल्दी वाला पानी पिएं। तो ये दिमाग को सुकून और स्वस्थ रखता है और दिमाग को भी तेज़ करता है। यदि सर्दी और जुकाम से नाक बंद हो जाती हो तो हल्दी वाले पानी में शहद के साथ थोड़ी सी काली मिर्च मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। हल्दी वाले पानी के नियमित सेवन करने से आप सांस संबंधी रोग जैसे साइनस, दमा और जमे हुए कफ की समस्या से निजात पा सकते हैं। हल्दी इन रोगों को जड़ से ठीक कर देती है। साथियों, कई शोधों से ये बात साबित हुई है कि नियमित रूप से हल्दी वाले पानी का सेवन करते रहने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिससे आपका आहार आसानी से हजम हो जाता है, और आहार के अच्छे से हजम होने की वजह से आपके पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप अपने पाचन को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आज से ही अपनी दिनचर्या में हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल जरूर करें। हल्दी वाले पानी के सेवन से शरीर की सूजन भी कम होती है। हल्दी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी मौजूदगी के कारण ये दवा के रूप में काम करती है, और ये शरीर की सूजन कम करने में सहायक होती है। शरीर में चाहे कितनी भी सूजन क्यों ना हो, हल्दी वाला पानी पीने से तुरंत ही कम हो जाती है। साथियों, हल्दी दिल को दुरुस्त रखने में भी बहुत कारगर होती है। दोस्तों, हल्दी के सेवन से उम्र का असर नहीं होता। गर्म पानी में नींबू, हल्दी पाउडर और शहद मिलाकर पीने से ये शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा इसके नियमित रूप से पीने से फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद मिलती है, जिससे शरीर पर उम्र का असर कम और धीरे धीरे पड़ता है। तो साथियों, इन फायदों के जानने के बाद हम उम्मीद करते हैं आप हल्दी वाले पानी का सेवन अवश्य करेंगे। तो ये हमने आपको बताए हल्दी वाले पानी पीने के स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक व औषधीय फायदे। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा और साथियों तक भी पहुँचती रहें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।